अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का वीकली राउंडअप लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। तो चलिए जानते हैं कि बीते 7 दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में क्या क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार और डोनाल्ड ट्रंप के रनिंग मेट जेडी वेंस की। कुछ दिनों पहले ट्रंप को दूसरी बार निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। वो फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स में थे जहां गोलियां चली। हालांकि हमले में ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इस हमले के बाद जेडी वेंस ने कहा कि डेमोक्रेट्स ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी में डरनी पड़ते, नहीं तो इससे देश बर्बाद हो जाएगा। जेडी वेंस ने कहा कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि अब तक किसी ने भी कमला हैरिस की जान लेने की कोशिश नहीं की है, जबकि ट्रंप पर 2 बार हमला हो चुका है। अब बात रिपब्लिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर वो कमला हैरिस के खिलाफ चुनाव हार जाते हैं तो फिर दोबारा कभी राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है चुनाव में जीत उनकी ही होगी। ट्रंप फिलहाल 78 साल के हैं। अगर वो 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल होते हैं तो उस वक्त उनकी उम्र 82 साल होगी। अमेरिकी चुनावों में अर्ली वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है, तो इस बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 20 सितंबर को अमेरिका के कई राज्यों में अर्ली वोटिंग शुरू हुई। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अर्ली वोटिंग आखिर होती क्या है। इसमें वोटर डी डे यानी वोटिंग के दिन से कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले ही वोटिंग के जगहों पर व्यक्तिगत रूप से जाकर अपना वोट डाल सकता है। अर्ली वोटिंग 20 सितंबर से अमेरिका के 3 राज्यों वर्जीनिया, मिनेसोटा और साउथ डकोटा में शुरू हुई, जो 2 नवंबर तक जारी रहेगी। वर्जीनिया के पिछले राष्ट्रपति चुनाव में अर्ली वोटिंग के दौरान अच्छी खासी संख्या में वोटिंग हुई थी, जो कुल वोटिंग का 40% हिस्सा थी। बीते हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर थे। इस दौरे को लेकर ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी शानदार इंसान है, वो शानदार नेता है। मोदी की तारीफ करने के साथ साथ ट्रंप ने भारत की आलोचना की और कहा कि अमेरिका से आयात होने वाले सामानों पर भारत भारी टैक्स लगाता है। बात हो रही है पीएम मोदी के यूएस दौरे की, तो बताते चलें कि अपने इस दौरे में पीएम मोदी ने क्वाड की बैठक में भी हिस्सा लिया। बैठक के बाद एक पत्रकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से क्वाड को लेकर सवाल किया। पत्रकार ने पूछा कि क्या क्वाड नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी संगठन के तौर पर बना रहेगा। जवाब में बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि नवंबर के काफ़ी बाद तक भी ये संगठन काम करता रहेगा। बताते चलें कि क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संगठन है। दुनिया के सुपर पावर अमेरिका में चुनाव हैं, तो जाहिर सी बात है कि चुनावी अभियान पर पैसे भी खूब खर्चे जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों ने अगस्त में अपने अभियान पर कितना खर्चा किया। रिपोर्ट में कहा गया कि अगस्त में कमला हैरिस ने अपने कैंपेन पर डोनाल्ड ट्रंप से 3 गुना ज़्यादा पैसा खर्चा किया। कमला हैरिस ने अगस्त में अपने इलेक्शन कैंपेन पर $17.4 करोड़ खर्च किए। भारतीय रुपये में कन्वर्ट करने पर यह पैसा 14,53,51,68,300 रुपये होता है। वहीं ट्रंप ने अगस्त में अपने कैंपेन पर $6.1 करोड़ खर्च किए, यानी 5,09,56,74,650 रुपये। दोनों ही उम्मीदवारों ने बताया कि ये पैसा विज्ञापनों, रैलियों, कैंपेन स्टाफ की सैलरी पर खर्च हो रहा है। आखिर में बात करते हैं चुनाव को लेकर हो रहे सर्वे की कि ट्रंप या हैरिस कौन आगे चल रहा है। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। अब 2 नेशनल सर्वे में बात सामने आई है कि कमला हैरिस ट्रंप से आगे चल रही हैं। कमला हैरिस को जहां 49% वोटर्स का समर्थन हासिल है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप को महज 44% मतदाता पसंद कर रहे हैं। हालांकि अंतर महज 5% का है, तो दोनों ही उम्मीदवारों का मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। अमेरिका के इस चुनाव में करीब 24 करोड़ लोग वोट करेंगे। चुनाव के नतीजे तय करने में स्विंग स्टेट्स का अहम योगदान होता है। स्विंग स्टेट्स उन राज्यों को कहा जाता है जहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियों के मतदाताओं को बराबर समर्थन हासिल है। स्विंग स्टेट्स में यह अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होता है कि कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन, इन 7 राज्यों को स्विंग स्टेट्स में गिना जाता है।